आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए गाड़ी तेज या ओवरटेक ना करें। काम की टेंशन लेके नहीं, एक प्यारी सी मुस्कान लेकर घर जाइए। इन पंक्तियों की तख्ती हाथों में लेकर चौक चौराहों पर लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक कर रहा यह शख्स, इसका नाम रंगकर्मी संजय रामफल है। साथ ही भीड़भाड़ क्षेत्रों में वाहन चालकों को नसीहत भी दे रहा है कि यातायात नियमों का पालन करेंगे तो घर सेफ पहुंचेंगे। संजय रामफल की इस पहल पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि रंगकर्मी संजय रामफल ने माया नगरी मुंबई की चकाचौंध को छोड़कर समाज हित में कार्य करने का बीड़ा उठाते हुए खुशियों की दीवार शुरू कर दी थी। साथ ही समाज में कुरीतियों के खिलाफ भी अभियान चलाया है। इसी कड़ी में संजय रामफल पिछले एक सप्ताह से वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल्स बारे में जागरूक कर रहे हैं। रेलवे फाटक, चौक चौराहों और अन्य स्थानों पर हाथों में तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं और यातायात नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देकर अपने घर से पहुंचने की नसीहत भी दे रहे हैं। जो आजकल दुर्घटनाएं होती जा रही हैं एक्सीडेंटों से, ओवरटेक से, तो काफ़ी जिन घरों में एक एक बेटा था वो भी अपनी जानें गंवा चुके हैं थोड़ी सी लापरवाही, इसी को लेके मुझे जब भी समय मिलता है मैं चौराहों पे खड़े हो जाता हूँ ये भट्टी लेके। प्रशासन भी अपना काम कर रहा है लेकिन फिर भी जागरूक लोग नहीं हो पा रहे, तो मैंने जब भी समय निकालता हूँ थोड़ा मैं चौराहों पर जाकर लोगों को जागरूक करता हूँ और उन्हें समझा रहा हूँ कि कभी भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप कहीं जाना है तो 5 मिनट से पहले घर से निकल लें और वो धीरे धीरे अपने वाहन को और सुरक्षित ले जाएं। पूरे जो कानून कायदे हैं, नियम हैं, उनके तहत गाड़ी ड्राइव करें तो भविष्य में काफ़ी दुर्घटनाएं रोकने से रोकी जा सकती हैं। पिछले एक सप्ताह से मैंने ये अभियान चला रखा है क्योंकि जब हम भी घर से जाते हैं तो बेटे का फ़ोन आता है कि पापा जल्दी घर आइएगा, तो वो भी हमारा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो इसीलिए हमें पूरी सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चलानी चाहिए और दुर्घटनाओं से बचते हुए। और कई बार क्या होता है कि वर्कलोड जो काम का होता है, ऑफिस से लोग थके हारे आते हैं, घर पहुंचने की जल्दी होती है और वो ओवरटेक इसी चक्कर में करते हैं और फिर वो दुर्घटना उनके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है और काफ़ी माँ इस हादसे में अपने बेटों को खो चुकी हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी माँ का लाडला या किसी बेटे का बाप या किसी पति का पति या किसी बहन का भाई ऐसे थोड़ी सी लापरवाही में अपनी जान गंवा दे। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा जब तक जान में जान है, जब भी समय मिलेगा मैं लोगों को जागरूक करता रहूंगा। संजय रामफल कहते हैं कि प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती है जिसके चलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है। लोगों में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की बहुत बुरी आदत है, लोग ट्रैफिक पुलिस के सामने ही उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। कई बार देखा कि बड़ी बड़ी कारों में सवार लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में गलत दिशा चुनते हैं जिससे कई बार हादसे होते होते बचते हैं। कई लोग तो इतने ज्यादा ठीक हैं कि मेरे हाथ में तख्ती देखने के बावजूद गलत दिशा में चलने से नहीं चूकते हैं। अगर कुछ लोगों को भी ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक कर पाया तो बड़ी बात होगी। उनका कहना है कि जब भी मौका मिलता है तो वे तख्ती लेकर सड़कों पर खड़े होकर वाहन चालकों को जागरूक करते रहते हैं। सत्य खबर के लिए चरखी दादी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।